खानपुर थाना पुलिस की अवैध कच्ची शराब के खिलाफ बड़ी कार्रवाई। हरिद्वार के लक्सर खानपुर थाना पुलिस ने अवैध कच्ची शराब के खिलाफ बड़ी कार्रवाई करते हुए कच्ची शराब निकाल रहे तीन लोगों को धर दबोचा। पुलिस ने मौके से 25 लीटर कच्ची शराब और काफी मात्रा में कच्ची शराब बनाने का लहन भी नष्ट कर एक भारत गैस का सिलेंडर में भट्टी सहित उपकरण बरामद किया। वहीं खानपुर थाना अध्यक्ष अभिनव शर्मा ने बताया कि हरिद्वार वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक के आदेश व पुलिस अधीक्षक ग्रामीण और लक्सर पुलिस क्षेत्र अधिकारी विवेक कुमार के निर्देशन में अवैध कच्ची शराब के खिलाफ अभियान चलाया गया, जिसमें बताया कि अभियान के तहत पुलिस टीम द्वारा बादशाहपुर गांव के करीब बाणगंगा के पास छापेमारी की गई, जिसमें तीन अभियुक्त वीर सिंह पुत्र लाल सिंह उर्फ लल्लू, कपिल पुत्र वीर सिंह, रणजीत पुत्र बाबूराम को अवैध कच्ची शराब बनाते हुए गिरफ्तार किया गया। उन्होंने बताया कि तीनों अभियुक्त खानपुर थाना क्षेत्र के डूमनपुरी गांव के निवासी है। बताया कि तीन अभियुक्त के खिलाफ आबकारी अधिनियम एक्ट के तहत मुकदमा पंजीकृत किया गया और आज उन्हें माननीय न्यायालय में समक्ष में पेश किया जा रहा है। नदीम सलमानी, ब्यूरो चीफ हरिद्वार की रिपोर्ट। ये कुछ अधिकारीगणों के उससे नशे के विरुद्ध हमारा लगातार ये अभियान चल रहा है, जिसके अंतर्गत तीन लोग हैं, रणजीत, कपिल और वीर सिंह हैं। ये डुमनपुरी के रहने वाले थे। पाशापुर के पास इन्हें भट्टी से, दारू की भट्टी इनके पास से पकड़ी गई है। दारू की भट्टी चला रहे थे, कच्ची शराब बना रहे थे और करीबन 25 लीटर इनके पास से शराब भी बरामद हुई है। लगातार उच्च अधिकारी गणों के आदेश से ये अभियान चलाया जा रहा है और नशे के विरुद्ध कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जा रही है और भविष्य में भी करी जाएगी।